गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम क्षेत्रफल के कुछ सवाल देखेंगे और सारे सवाल होंगे हमारे इबारती सवाल। तो एक सवाल, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी लंबाई 42 मीटर है। तो सवाल को हम बार बार पढ़ते हैं और सवाल में जो है उसके हिसाब से हम कोई आकृति बना लेते हैं और फिर जो दिया गया है उसे हम लिखते चलेंगे, ठीक है। तो एक वर्गाकार बगीचा, जो बगीचा है उसका आकार कैसा है? वर्गाकार है, वर्ग जैसा है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं क, ख, ग और घ, यह बगीचा हो गया। उसका क्षेत्रफल हमें बताना है, एरिया बताना है, और इसकी भुजा की लंबाई है 42 मीटर। 42 मीटर भुजा की लंबाई, ठीक है। तो चलिए, अब आकृति हमने बना लिया, अब देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। दिया गया है भुजा की लंबाई है 42 मीटर, यही दिया गया है, ठीक है। तो बगीचे की लंबाई, लंबाई कहें या भुजा की लंबाई कहें, यह है 42 मीटर। आपको पता ही है वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं जो हैं 42 मीटर की होंगी, एक समान। अब हमें मालूम क्या करना है, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्र फल, जो आयत का क्षेत्रफल है वही वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वहां होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि यहाँ लंबाई चौड़ाई एक समान है तो उसे हम लिख लेंगे भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। अब देखिए, भुजा की लंबाई है 42 मीटर और गुणा 42 मीटर, 42 गुणा 42 गुणा कर लीजिए, क्या मिलेगा? तो इसका गुणा करने के लिए हम यहाँ इसे लिख लेते हैं, दो दोने चार और दो चौक आठ, फिर शून्य उतार लिए, चार दूनी आठ और चार चौक 16, तो चार छः सात एक, हमें मिला 1764 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, इसलिए यह होगा वर्ग मीटर। तो वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या हुआ? 1764 मीटर। तो ऐसे सवालों को हमें बार बार पढ़ना है और पढ़कर उससे संबंधित आकृति बनाना है, उसमें क्या दिया गया है यह मालूम करना है, क्या मालूम करना है यह भी हमें देख लेना है। तो चलिए, इसके बाद इसी पर एक और सवाल हम देखेंगे। आइए, एक और इबारती सवाल हम देखते हैं। एक कैरम बोर्ड 75 सेंटीमीटर लंबा है, कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। हल, सवाल को पढ़ते हैं और क्या दिया गया है उसे लिख लेते हैं। एक कैरम बोर्ड 75 सेंटीमीटर लंबा है, बता दिया कैरम बोर्ड की लंबाई है 75 सेंटीमीटर। तो हम आकृति भी बना लें कैरम बोर्ड। आप देखे होंगे कैरम बोर्ड जो है वर्गाकार होता है और इसकी भुजा की लंबाई है 75 सेंटीमीटर, ए बी सी डी, इस तरह का आपका कैरम बोर्ड होता है। या आगे क्या है, कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा, हमें क्या मालूम करना है? कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल यह हमें मालूम करना है, ठीक है। तो हमें पता है कैरम बोर्ड का आकार जो है वर्गाकार होता है और इसलिए हम वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे,
ठीक है। तो कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल यह हो जाएगा भुजा गुणा भुजा। अब लिख लीजिए कितना सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर गुणा 75 सेंटीमीटर। 75 का पहाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं, चलिए गुणा करते हैं। 5 पंच 25 की 5 हासिल 2, 5 सत्य 35, 2 37, 0 लगा लिए। फिर 7 पंच 35 की 5 हासिल 3, 7 सत्य 49, 3 52 जोड़ लीजिए। 5 7 5 12 की 2 हासिल 1, 6 5, तो हमें मिला 5625 वर्ग सेंटीमीटर। तो कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल होगा 5625 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हैं वर्ग के इबारती सवाल जहां हमें क्षेत्रफल मालूम करना था। अगली कक्षा में हम कुछ और सवालों को लेंगे और उस पर हम अपनी समझ बनाएंगे।